खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ साध सिंह जी, आप अज अपना यह विचार करिए किस तरह एक यतीम बच्चा लाहौर का जिसके माँ प्यो गुजर गए होन, वह किस तरह चौथा गुरु नानक द चौथी गद्दी से बैठा किस तरह रामदास बनया। गुरमुखो यहाँ नाम पहले इन्ह का नाम जेठा जी सर, रामदास जी नानी ने रखा इन्ह का नाम। तो ये लाहौर के सब तो अपने फैमिली के बड़े लड़के सन। जो बड़े लड़के सी तो इन्होंने माता पिता गुजर गए, तो माता पिता गुजर गए तो उत्थे कुछ नहीं सी कमान खान नू। नानी इन्हां नू फिर वासर के लै आई, वासर के लै आई तो बच्चे नू कहा, बच्चा तू अपने पैरों से खड़ा हो, तैनू मैं घुंगणियां बना दा करांगी कणक दीआं, तू वो बेच के तो अपने पैसे इकट्ठे कर, कट्ठे करदा करदा फिर अपना कोई व्यापार कर, कोई दूसरा कर, ता जे अपने तो पुत्र यतीम आ पैरों ते खड़े होएगा, ताइयों तेरा विआह होएगा गा, ताइयों तेरा कारोबार बधेगा। ये सुन के नानी ने घुंगणियां बना देनिया, इन्हां बेचना शुरू कर देनिया। मतलब ऐसे प्रेम नाल घुंगणियां बेचते होंदे सी, कहिंदे घुंगणियां खा लो नाम जपा लो, घुंगणियां खा लो अपने अंदर नाम बिठा लो, ऐसे प्रेम नाल बोलते होंदे सी। जिन्हें नहीं भी घुंगणियां खानी होंदियां सी वह भी लैके खा लैंदा सी, ये यतीम बच्चा किन्ने प्रेम नाल बोल रहा, किन्ने प्रेम नाल गल कर रहा। गुरमुखो पिछले जन्म की कमाई सी, वह कमाई अंदर सी नाम बाणी दी, तो इस करके सारे ये वाल अट्रैक्ट होते। एक बारी संगत उतों वासर के तो गोविंदवाल जान लग पी, गुरु अमरदास जी की सेवा बावली साहब की शुरू हुई सी, पूरी सेवा करने वाल। यह भी इन्हें भी अपने नानी जी ने कहा, महाराज मैं भी जाना आ, इन्हें भी भेज दिता। यह चूंकि जतीम बच्चा सी, सारी संगत तो पिछे, सारी संगत ने पिछे कर दिता, तो ये छैने भी नहीं सी, अपनी जुत्तियाँ लैके उ बजाते रहे, वो ही बजा के पिछे पिछे वह बजाते रहे। जाके जैसे पहुँचे उत्थे गुरु अमरदास जी दर्शन किए तो बड़े निहाल होए, क्योंकि गुरु महाराज बाकी संगत दर्शन करके आ गई, ये उत्थे ही रह गए, गुरु अमरदास जी सेवा ची जुट गए। गुरमुखो उत्थे फिर गोविंदवाल ने सेवा करके इन्नी कमाई की थी कि वह बीबी भानी जवान हो गई सी, तो उस वेले उन्होंने घर वाले गुरु अमरदास जी के घरों माता जी कहन लग गए कि बीबी भानी जवान हो गई आ, इहदा कोई रिश्ता लभी है कोई, तो कहिंदा किस तरह का लभना, किस तरह लड़का होए, जिस तरह का रामदास आ जेठा जी आ। वो कहन लगे गुरु अमरदास जी प्रेम ना, कहन लगे पर ये लोग रामदास है, रामदास वर्गा कोई होर है ही नहीं, कोई जमया ही नहीं अजय इस वक्त, इस करके आप क्यों ना ये नाल शादी कर लीए। बीबी जी बन गए, बीबी भानी का रिश्ता रामदास जी ने करता, वो अपने सहुरे घर के कहते हैं उत्थे कर ला पे सेवा। बौली की से बौली उस जाते सिख जाते पानी लैन वास्ते हिंदू खूह, तो वो उन्होंने पिछले छोड़ देंगे, तू सा धर्म मान ही कोई नहीं, साढ़ा खूह पुट दोगे तुम। मुसलमान का खूह जाते वह भी कहते तुम धर्म ना नहीं, तो कोई तुम कि मानते ही नहीं, तुसी तो एक गुरु नू मनने जांदे हो बैठा जड़ा है, तो ये वो भी उन्होंने मिहने मारते, वो आ गुरु साहब के कोल आते रोंदे होंदे सी, महाराज पानी कितों देना, जो मिहने मारते साढ़े को सुने नहीं जाते। गुरु साहब कहते भी अपना खूह खोद लो, फिर कहते बौली साहब आ, बौली साहब खोदो, इतने पानी निकलेगा तो आपे अपना तुम भर के खप पीओगे। बौली साहब खुद ला पी खोदे गए, उत्थे सेवा करते रहे, तो जो बौली साहब सेवा कर रहे थे उदों अपना गुरु रामदास जी बच्चे सन, तो उस वे अपना टोकरी टोने होंगे सी, अपना जवान से जो होए टोकरी टो रहे थे, तो अपना उन्होंने कपड़े लिबड़े हुए थे सारे, तो बीबी भानी का रिश्ता करना सी, तो गुरु रामदास जी अमरदास जी ने कहा अगर उन्होंने घरों बीबी भानी जवान हो गई आ, इसका रिश्ता करो। तो वो कहते किस तरह लड़का चाहिए, जिस तरह का बाबा जेठा आ, जिस तरह भाई जेठा आ प्रेमी आदमी जरा लाहौर का जरा, तो कहते जतीम बच्चा भागा जतीम बच्चा, पर वो है बड़ा होनहार बड़ा लायक आ, वो दर्श शादी करती,
शादी करती तो हूँ हूँ उत्थे कुड़मां दे घर रहन लग पे उत्थे सेवा करन लग पे अपना सहुरे घर तो सहुरे घर सेवा करके तो अपना लाहौर दे उन्होंने उच्च कोटि जाति दे खत्री रामदास जी नूं मिलन आए उत्थे अपने बच्चे नूं तो वह देखिया कि टोकरी ढो रहे हैं तो गुरु अमरदास जी गल पै गए तुसीं जवाई नूं घर रख के लग मिट्टी की टोकरी ढोनी आ ते ओ मतलब ताज चलता पिया ये सिर ते इन्हां दे ताज चुगले सारी दुनिया दे ताज दे अगे निभण गए ये बड़े बड़े महापुरश अमरदास जी नूं बड़े गल पै गए तुसीं घर जवाई रख के उन्हूं टोकरी ढोआ रहे हो। गुरु साहब ने कहा प्रेम ना प्रेमी हो तुसीं तुहाडूं टू सारी दुनिया का भार चुकना सारी दुनिया जिहड़ी बिलकरी आ दुख दर्द चुकना ये टोकरी नहीं ये दुनिया ताज आ सारे जड़े गरीबन से जड़े दुख दर्द दूर करने वाली टोकरी है। खैर हो जाओ चल गए बुड़ बुड़ करके चल गए गुरमुख अखीर ते बीबी भानी जवान हो गई सी ते माता जी ने कहा कि बीबी भानी ने माता जी ने गुरु अमरदास जी भाई हम जवान हो गई है लड़की का शादी करिए कोई लभो कोई ज्यादा कहते कहो जहाँ होना चाहिए जिस तरह का रामदास आ महाराज कहन लगे भाई बी प्रेमणे रामदास वर्गा कोई तेन मिलना नहीं ये नाल ही शादी कर दी है तो मन गए शादी हो गई घर जवाई रह के अपना सेवा कर लग पाया गुरमुख सेवा करते करते जे बौली साहब की जिस तरह की होया ये आप कल विचार करा महाराज वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।